गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे बिफोर यू। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा है, इट ऑलवेज सेम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट इज डन। बच्चों, बहुत बार आपके लाइफ में ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि कोई कार्य होना असंभव है, यानी आप उस कार्य को कर नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत पे वो पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ समय बाद आप उसी कार्य को कर चुके होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब तक आपने वो कार्य नहीं किया था तब तक वो कार्य आपको तो असंभव लग रहा था, लेकिन वो तभी तक असंभव था बच्चों जब तक आपने उसे किया नहीं था। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आएंगे, ऐसा समय आएगा जिस समय आपको लगेगा कि आगे के जो रास्ते हैं वो बहुत कठिन हैं और उन पे चलना दूभर है, मुश्किल है, मीन्स आपके लिए इम्पॉसिबल है। बट बच्चों, हमेशा याद रखें, हर समस्या का कहीं कहीं समाधान है, तो हर मुसीबत का अंत है। आज अगर रात है तो कल हर हाल में क्या होगा, सवेरा होगा। आज अगर छांव है तो हर हाल में कुछ समय बाद धूप होगी। आप किसी भी परिस्थिति को अस्थाई न समझें, तो वो वाक्य याद रखें आप, ये वक्त गुजर जाएगा। तो ये वाक्य ही आपसे कहता है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल, यानी हमेशा असंभव प्रतीत होता है, लेकिन कब तक, अनटिल इट इज डन, जब तक कि वो कार्य क्या नहीं कर लिया जाता हो, पूरा नहीं कर लिया जाता। और जैसे ही आप वो कार्य पूरा करते हैं ना, वैसे ही आपको लगता है, अरे ये तो बहुत आसान था, मैं झूठे घबरा रहा था। एंड इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, और ऐसा बहुत बार होता है बच्चों और बहुत बार होगा। इसलिए कभी घबराए ना, मुसीबतें हैं वो हर हाल में आज नहीं तो कल हट जाएंगे। ओके, तो ये कोट ऑफ द डे है हमेशा, जो आपको ये बताएगा कि आप इम्पॉसिबल को कभी इम्पॉसिबल मत न समझिए, क्योंकि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ओके, लेट्स प्रोसीड, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा खजाना रखा है आगे। चलिए बच्चों, ये वो कैब हमारा है, वर्स ऑफ द डे मीन्स क्या है, देखते हैं एक शब्द। पहला वर्ड है आपका एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट बच्चों, अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। आप ध्यान से देखें बच्चों, यहां पे अ पर्सन है, लेकिन इसका जो प्रोनाउन लिया गया है वो देयर लिया गया है। आप समझ सकते हैं क्यों लिया गया है, ये फेमिनिज्म के कारण लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप यहां हिज लिख देंगे ना तो उन्हें लगेगा हिज ही क्यों, हर क्यों नहीं। हर लिखेंगे, कुछ लोग कहेंगे हर क्यों, हिज क्यों नहीं। तो ये एक कॉमन सॉल्यूशन निकाला गया कि अगर कभी भी अ पर्सन है, अ सिटीजन है, जिसका जेंडर क्लियर नहीं हो, तो आप वहां क्या ले लें, देयर ले लें। ठीक है, तो एक्सपैट्रिएट कौन है, अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कमाने के लिए अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं। एक्सपैट्रिएट यानी वो अपना पैट्रियाटिज्म छोड़ करके एक तरह से बाहर चले जाते हैं, इसीलिए वो प्रवासी कहलाते हैं। मीन्स वो लोग जो रोजगार के लिए, कमाने वगैरह के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में रहते हों, वो एक्सपैट्रिएट कहलाते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे। दूसरा वर्ड आपका है स्ट्रॉन्डेड। स्ट्रॉन्डेड बच्चों, स्ट्रॉन्ड से बना है। स्ट्रॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ड मीन्स अलग थलग कर देना। तो स्ट्रॉन्डेड जिन्हें अकेला छोड़ दिया गया हो, फंसा हुआ छोड़ दिया गया हो, तो लेफ्ट विदाउट द मीन्स टू मूव फ्रॉम समवेयर, यानी उन्हें छोड़ दिया गया है बिना उन साधनों के, टू मूव फ्रॉम समवेयर, कि वो किसी एक स्थान से अब कहीं और जा न सकते हो। दिस इज स्ट्रॉन्डेड। लॉकडाउन में ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि सरकारों ने, अर्थात राज्य सरकारें जो थीं, उन्होंने मजदूरों को शुरू में क्या किया था, मुंबई में या दिल्ली वगैरह में, गुजरात में क्या कर दिया था, स्ट्रॉन्डेड छोड़ दिया था। मीन्स वो फंसे हुए थे लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया था। मैमथ नेक्स्ट वर्ड है बच्चों। मैमथ कोई कंपनी जैसे आपके पास है, ईश्वर करे आपके पास हो, कोई कंपनी है और बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, तो वो कंपनी क्या है बच्चों, मैमथ है। कोई हाथी है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, तो वो हाथी का जो आकार है वो क्या है बच्चों, मैमथ है। मैमथ मीन्स ह्यूज, मीन्स
विशाल, बड़ा, आप कह सकते हैं जाइंट, कहते हैं ना जीआईएनटी, जाइंट कह सकते हैं आप, कोलोसल कह सकते हैं, कोलोसस कह सकते हैं, ये मैमथ होता है जो बहुत विशाल बहुत बड़ा होता है। एम्बेसी आप शायद जानते हो, एम्बेसी में इंश द ऑफिशियल रेजिडेंस यानी आधिकारिक आवास, आर ऑफिसेज या जो कार्यालय होते हैं ऑफ एन एम्बेसडर, किसके, एक राजदूत के, यानी एक राजदूत के जो आधिकारिक उनका आवास होता है या जो उनका ऑफिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्बेसी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, उच्चायोग कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी देश में, जैसे यही एक्सपैट्रिएट्स हैं ना बाहर हैं, अभी सरकार उन्हें ले आने जा रही है, तो एक्सपैट्रिएट्स को कहाँ संपर्क करना होगा, एम्बेसी में संपर्क करना होगा, वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर कराना होगा कि हाँ हम आना चाहते हैं। तो वो कहाँ रजिस्टर कराएंगे अपने नेम्स को, एम्बेसी में, उच्चायोग में। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉम्पेल, नॉर्मल वर्ड बच्चों जानते होंगे। कॉम्पेल क्या होता है, जब कोई किसी को बाध्य कर रहा हो बच्चों, ये मजबूर करने के सेंस में है, बाध्य करने के सेंस में है। फोर्स मीन्स किसी को बाध्य करना, आर ओवलाइज या फिर किसी को किसी पर एहसान कर देना ताकि वो मजबूर हो जाए आपको मानने के लिए। टू डू समथिंग मतलब कुछ आप करवाना चाहते हैं तो आप किसी को कॉम्पेल करते हैं, उसे फोर्स करते हैं, उसे बाउंड करते हैं, मीन्स उसे बाध्य करते हैं बच्चों, आप उसे मजबूर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करना नहीं चाहते बट योर फादर कॉम्पेल्स यू टू डू दिस वर्क या दैट वर्क, यानी आपके पिताजी आप उस कार्य को करने के लिए आपको कॉम्पेल कर रहे हैं, मीन्स फोर्स कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, ओवलाइज कर रहे हैं, मीन्स बाध्य कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका डिपोर्टेशन। इस शब्द को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको तीन इसमें चीजें मिलेंगी, पहला डी मिलेगा, दूसरा पोर्ट मिलेगा और तीसरा सफिक्स नाउन सफिक्स एसन मिलेगा। डी पोर्ट क्या होता है, किसी को भगा देना, पोर्ट समझते हैं बंदरगाह होता है, यानी अगर आप किसी देश में हैं और उस देश की सरकार कहे कि नहीं आपको छोड़कर जाना होगा उस देश को, तो वो डिपोर्ट किया जा रहा है, उसी से आपका नाउन बनाया गया डिपोर्टेशन, मीन्स द एक्शन ऑफ डिपोर्टिंग अ फॉरिनर फ्रॉम अ कंट्री, यानी जब आप किसी देश से एक विदेशी को भगाया जाता हो, उसे निर्वासित किया जाता हो, तो वो जो कार्य होता है वो डिपोर्टेशन होता है, मीन्स क्या होता है बच्चों, निर्वासन होता है। अभी जैसे जो एक्सपैट्रीज रह रहे हैं बाहर, तो वहां की सरकारें ऑलरेडी दिक्कत में है इस ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से, यानी ये वैश्विक महामारी की वजह से हर देश जो है परेशान है, तो ऐसी अवस्था में वो एक्सपैट्रिएट से क्या कह रहा है कि आप डिपोर्ट करें, अर्थात वो डिपोर्टेशन के लिए कह रहा है, निर्वासन के लिए, आप अपने अपने देशों में जाएं, यहां ना रहे, हमारे देश में ना रहे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों स्ट्रिंजेंट, आपने पहले भी पढ़ा होगा स्ट्रिंजेंट, जब कोई स्टेप आपका बहुत स्ट्रिंजेंट हो, मीन्स बहुत कठोर हो, तो वो हार्ड होता है, स्ट्रिक्ट होता है, रिजिड होता है, मीन्स कठोर होता है। बहुत बार क्या होता है, आपके टीचर को जब लगता है कि आप कोई होमवर्क नहीं कर रहे हैं, एक बार दो बार तीन बार वो आपको समझाते हैं, नहीं जब उन्हें लगता है कि आप नहीं मानने वाले हैं तो आपके खिलाफ वो स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं, मीन्स क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी, ये भी आपने पढ़ा है, मैंडेटरी मीन्स जो ऑब्लिगेटरी हो, कंपल्सरी हो, इनएविटेबल हो बच्चों, अर्थात रिक्वायर्ड बाय लॉ आर मैंडेट, यानी रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी अगर कानून जरूरी बना दे किसी चीज को कि नहीं आपको ये करना है तो आपके लिए मैंडेटरी है, या मैंडेट जो आपको मैंडेट मिलता है, यानी लोगों की जो एक मत मिलता है आपको, अगर वो अनिवार्य कर दे किसी चीज को तो वो आपके लिए क्या है, मैंडेटरी। जैसे अगर आपके देश की बात करें तो वोट देना क्या होना चाहिए बच्चों, मैंडेटरी होना चाहिए, वोट देना क्या होना चाहिए बच्चों, मैंडेटरी होना चाहिए, मीन्स आवश्यक होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, मीन्स अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है डिप्लोमैट्स। डिप्लोमैट्स आप जानते हैं बच्चों जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, जैसे एक देश है मान लीजिए आपका इंडिया है और श्रीलंका या चाइना में कोई चीज़ करनी है उसको, तो पहले वो अपने डिप्लोमैट्स के द्वारा वहाँ की स्थितियों पर, स्थितियों का पता लगाएगा, यानी वहाँ के जो लोग हैं ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करेगा, वहाँ के लोगों से मिलेगा, देखेगा क्या किया जा सकता है, ये जो क्या किया जा सकता है एक देश की तरफ से वो करने वाला कौन है,
डिप्लोमेट है वो सरकार को सूचना देते हैं कि हाँ इस जगह पे ये कंडीशन है आपकी, मीन्स एन ऑफिशियल, एक अधिकारी रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एब्रॉड, जो किसी देश को बाहर रिप्रेजेंट करते हों वो डिप्लोमेट होते हैं। इसी से डिप्लोमेटिक बनाए मीन्स कूटनीतिक। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका रिपैट्रिएशन। अगर एक्सपैट्रिएशन क्या है, जब आप बाहर चले जाते हो कमाने के लिए, तो रिपैट्रिएशन क्या है, जब आप वापस आ जाते हो। री समझ सकते हैं, रिपैट्रिएशन मीन्स अपने स्वदेश में आगमन, अर्थात द रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री। जब कोई अपने देश में वापस चला आता है एक्सपैट्रिएट होने के बाद, रिपैट्रिएट हो जाता है, तो रिपैट्रिएशन होता है, स्वदेश में आगमन होता है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों जो इंपॉर्टेंट है दो लिहाज से, स्पेलिंग के लिहाज से भी और वर्ड के लिहाज से भी। ये वर्ड है आपका मनेवर। मनेवर मीन्स कोई चाल, कोई कौशल। जब कोई छल के साथ कोई कार्य करता है तो उसका मनेवर कहलाता है। मीन्स अ मूवमेंट मीन्स कोई कदम आपका, अ सीरीज ऑफ मूव्स या कई सारे कदम आपके, रिक्वायरिंग स्किल जिसमें क्षमता की जरूरत हो एंड केयर और सावधानी की जरूरत हो, वो मैनेवर होता है आपका। जैसे आप कोई एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, मीन्स कोई उद्यम खोलना चाहते हैं, तो उस उद्यम को चलाने के लिए मैनेवर की जरूरत होगी, मीन्स किसकी, कौशल की। आपको चाल आनी चाहिए कि कौन सा स्टेप किस समय आपको लेना है, दिस इज कॉल्ड मैनेवर। नेक्स्ट वर्ड है मेक शिफ्ट। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे मेक शिफ्ट एकोमोडेशन बनाए जा रहे हैं, मीन्स अस्थायी आवास बनाए जा रहे हैं। तो मेक शिफ्ट मीन्स टेम्पोररी मीन्स सब्स्टिट्यूट, अस्थायी अर्थात जो अस्थायी नहीं है उसे बाद में हटा लिया जाएगा। मीन्स इस लॉकडाउन के समय में सरकारें जो हैं वो क्या कर रही हैं बच्चों, मेक शिफ्ट रहने का स्थान बना रहे हैं, मीन्स अस्थायी आवास बना रहे हैं, ताकि वहां 14 दिन क्वारंटाइन में लोगों को रखा जा सके, दिस इज मेक शिफ्ट। और लास्ट वर्ड है बच्चों आपका डाउन टर्न। जब आप डाउनवार्ड जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, अर्थात डिक्लाइन हो रहा होता है, तो वह एक डाउन टर्न होता है, मीन्स अ डाउनवार्ड टर्न अर्थात नीचे की तरफ जाने वाला मोड, स्पेशली टुवर्ड अ डिक्लाइन मीन्स जो वास्तव में पतन की तरफ जा रहा हो वो डाउन टर्न होता है, मीन्स एक मोड, एक पतन होता है बच्चों। तो हमने ये 13 वर्ड्स पढ़े, वैसे 13 शुभ नहीं होता है, इंग्लिश में इसे बहुत वो सस्पिशन की निगाह से देखा जाता है। चलिए 13 वर्ड हमने पढ़े बच्चों, और ये 13 वर्ड जल्दी से देख लेते हैं फिर से सरसरी निगाह से। पहला एक्सपैट्रिएट मीन्स कोई प्रवासी जो अपना देश छोड़कर बाहर चला गया हो कमाने वगैरह के लिए। दूसरा स्ट्रॉन्डेड मीन्स कोई जो फंसा हुआ हो, फंसे हुए लोग हों, अलग थलग कर दिए गए हों। तीसरा मैमथ कोई कंपनी जो बहुत विशाल हो, बहुत बड़ी हो। चौथा एम्बेसी उच्चायोग कह सकते हैं, या जहां एम्बेसडर्स रहते हैं उसे कहते हैं आप। पांचवा कॉम्पेल मीन्स किसी को बाध्य करना, किसी को मजबूर करना, उसे फोर्स करना, बाउंड करना। छठवा डिपोर्टेशन निर्वासन अर्थात किसी देश से निकाले जाने का कार्य। नेक्स्ट स्ट्रिंजेंट मीन्स कोई कठोर जो चीज़ है, जैसे आपके कदम बहुत कठिन हैं, कठोर हैं, वो स्ट्रिंजेंट है। आठवां मैंडेटरी जो चीज़ आपके लिए आवश्यक है, कंपलसरी है, इनएविटेबल है, वो मैंडेटरी है आपका, इंडिस्पेंसेबल है। डिप्लोमेट्स मीन्स जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, एक देश की तरफ से दूसरे देश में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, वो ऑफिसर्स जो होते हैं डिप्लोमेट्स कहलाते हैं। दसवां रिपैट्रिएशन मीन्स जब आप स्वदेश में आगमन करते हैं तो आप रिपैट्रिएट करते हैं, मीन्स आप रिपैट्रिएशन कर रहे होते हैं। इलेवेंथ मैनेवर मीन्स आपकी कोई चाल, कोई कौशल, कोई मूवमेंट आपका जिसमें बड़ी स्किल और केयर की जरूरत पड़ती हो। ट्वेल्थ मेक शिफ्ट मीन्स टेम्पररी, सब्स्टिट्यूट मीन्स अस्थायी, और लास्ट डाउन टर्न मीन्स एक मोड जो नीचे की तरफ जाता हो, पतन की तरफ जाता हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हेडलाइंस ऑफ द डे हैं आज की, 7 मई की आपकी। ये हेडलाइंस कह रही बच्चों, वायरस टैली यानी वायरस का जो आंकड़ा है क्रॉसेज 50,000 मार्क। ये भारत की बात कर रहे हैं बच्चों, नहीं भारत में जो वायरस का आंकड़ा है वो कहां तक पहुंच गया, 50,000 मार्क्स यानी 50,000 के निशान को क्या कर चुका है, वो क्रॉस कर चुका है बच्चों, अर्थात 50,000 से ज़्यादा मरीज यानी इन्फेक्शस लोग यहाँ पर पाए जा चुके हैं।
और नंबर ऑफ डेथ्स और जो मरने वालों की संख्या है बच्चों वो कहां तक पहुंच गई है, सर्जेस टू 1771, यानी 1771 लोग अब तक क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। ये वायरस टैली आपकी थी जो बताई गई थी। नेक्स्ट आपकी हेडलाइन थी, सेंटर इज टेकिंग आर्बिट्री डिसीजंस से कांग्रेस सीएम्स। कांग्रेस सीएम समझ रहे होंगे, कांग्रेस शासित जो राज्यों के सीएम्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री से यानी वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, कि सेंटर यानी जो केंद्र सरकार है इज टेकिंग आर्बिट्री डिसीजंस। आर्बिट्री क्या होता है, मनमानापूर्ण, जब आप अपनी इच्छा से ही निर्णय लें, लोगों की सहमति की कदर ना करें, तो वो जो आपका निर्णय होता है वो आर्बिट्री होता है। तो यानी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार आर्बिट्री डिसीजंस ले रही, मीन्स मनमानापूर्ण निर्णय ले रही, अर्थात किसी की राय का कोई ख्याल नहीं कर रही है। नेक्स्ट हेडलाइन थी बच्चों आपकी, वेडिंग इंडस्ट्री इन द डोल्ड्रम्स। मैंने इन द डोल्ड्रम्स पढ़ाया था, जब बहुत खिन्नता की अवस्था हो, खिन्न हो जाए, नाराज हो जाए, मीन्स मुसीबत में हो, तो यह इन द डोल्ड्रम्स होता है। जैसे किसी बच्चे को अगर उसका खिलौना आप नहीं देते हैं ना, तो वो इन द डोल्ड्रम्स होता है, मीन्स नाराज हो जाता है, खिन्न हो जाता है। तो जो वेडिंग इंडस्ट्री है ना, वो इन डोल्ड्रम्स, अर्थात जो शादियों वगैरह के लिए प्लानिंग करते हैं, सारा सिस्टम बनाते हैं, वो इंडस्ट्री उनकी जो शादी का उद्योग है पूरा, इन द डोल्ड्रम्स, वो बहुत दिक्कत में है, नाराज है, एज क्योंकि फैमिलीज पोस्टपोन इवेंट्स ड्यू टू लॉकडाउन। क्योंकि जिन लोगों के यहाँ शादियाँ होनी थी, वो शादियाँ लॉकडाउन की वजह से क्या कर दे रहे हैं बच्चों, वो पोस्टपोन कर दे रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं, टाल दे रहे हैं आगे के लिए, इसीलिए वो वेडिंग इंडस्ट्री बहुत दिक्कत में, मीन्स उसे खिन्नता का एहसास हो रहा है। नेक्स्ट लाइन थे, डिटेंशन अनजस्टिफिएबल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी कह सकते हैं आप, मीन्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कश्मीर में है आपका, कल आपने हेडलाइन में पढ़ा था कि महबूबा का जो डिटेंशन है वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो डिटेंशन अनजस्टिफिएबल आज की आपकी हेडलाइन है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है, जो पार्टियाँ हैं, ये दोनों कह रही हैं कि जो डिटेंशन का निर्णय है वो अनजस्टिफिएबल है। अनजस्टिफिएबल मीन्स अन्यायपूर्ण, यानी जिसे जस्टिफाई न किया जा सकता, यानी वो कह रहे हैं कि महबूबा जी को आप डिटेंशन में और नहीं रख सकते, अब उन्हें आपको रिहा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, डिटेंशन से उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है आज की, टॉप हिजबुल कमांडर, यानी हिजबुल मुजाहिदीन यू नो इन कश्मीर। तो टॉप हिजबुल कमांडर किल्ड इन कश्मीर, ये पुलिस कह रही है वहां की, कि रियाज नायकू नाम का जो वहां का टॉप हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, उसे क्या कर दिया गया, किल्ड, मार गिराया गया। ये खबर है क्योंकि अभी आपने 5 जवानों की अपनी शहादत दी थी, तो ये एक प्रतिवार है कह सकते हैं कि उस टॉप हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को वहां की पुलिस ने, सेना ने मार गिराया। और आपकी लास्ट हेडलाइन थी, इंडियंस रिटर्निंग ऑन नेवी शिप्स, यानी जो भारतीय हैं जो नेवी शिप्स यानी नौसेना के जहाजों पर वापस आएंगे, मे हैव टू पे अप, उन्हें हो सकता है कि अपना सारा खर्च वगैरह, किराया वगैरह क्या करना पड़े, खुद देना पड़े। यानी भारतीय जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा हुआ है कि हम ठीक है आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्था आपके ही पैसे पे होगी, यानी आप सक्षम हैं बच्चों, यानी वो लोग जो हम विदेशों में रह रहे हैं वो सक्षम हैं कि वो अपने भाड़े वगैरह, रहने वहाँ जो खर्चे वगैरह आने हैं वो सारे वो दे सकते हैं। दीज आर द हेडलाइंस बच्चों, और अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन पोर्शन की तरफ जिसे हम एडिटोरियल कहते हैं। दिस इज एडिटोरियल ऑफ टुडे। आज का एडिटोरियल है बच्चों आपका, जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कई सारे वर्ड्स इसमें अच्छे हैं जो आपने ऊपर पढ़ा, बैक होम। बैक होम घर वापसी कहते हैं बच्चों, ठीक है, बैक होम घर वापसी। ऑन रिटर्न ऑफ इंडियन एक्सपैट्रिएट्स, यानी ये एडिटोरियल किस पर है बच्चों, भारतीय प्रवासियों के रिटर्न पर है, यानी उनकी वापसी पर ये एडिटोरियल आपका लिखा गया है। एज इंडिया ब्रिंग्स बैक, ब्रिंग बैक मीन्स बच्चों वापस ले आना, स्ट्रॉन्डेड एक्सपैट्रिएट्स अर्थात वो प्रवासी जो विदेशों में क्या थे, स्ट्रॉन्डेड थे, याद हुआ, फंसे हुए थे,
असहाय पड़े हुए थे। इट मस्ट, इट किसके लिए बच्चों पता है? इट इंडिया के लिए, यहां पे। तो इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट मीन्स तैयार रहना अर्थात चौकस रहना, अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन, किसके लिए? एक नए यानी बहुत अधिक संख्या में इन्फेक्शन के लिए, यानी संक्रमित लोगों के एक वेव से अर्थात हो सकता है उनकी पूरी लहर आ जाए, बहुत बड़ी संख्या आ जाए इन्फेक्शस लोगों की। तो इसके लिए भारत को क्या रहना चाहिए? गार्ड अगेंस्ट अर्थात सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अपनी चौकसी बनाए रखनी चाहिए। फिर से देखें, एज जब इंडिया, अब इंडिया तो सिंगुलर है ना यहां पे, तो देखिए ब्रिंग्स लिखा है यहां पे, सही है। एज इंडिया ब्रिंग्स बैक, यानी जब भारत वापस ले आ रहा है स्ट्रांडेड एक्सपैट्रिएट्स को, किसको वापस ले आ रहा है बच्चों? स्ट्रांडेड एक्सपैट्रिएट्स को, तो इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट, तो भारत को चौकस रहना चाहिए, भारत को सतर्क रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन अर्थात इन्फेक्शन की एक नई लहर के लिए, अर्थात बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है इन्फेक्शन और फैले, तो इसके लिए तैयारी भारत को कर, मतलब पहले से ही कर लेनी चाहिए। चलिए समझ गए होंगे बच्चों, ये अगर आपको लगे सर ये अ न्यू वेव क्यों लिखा है, अ क्यों लगाया गया, क्योंकि यहां पे ये किसके लिए है? वेव के लिए, लहर के लिए, अ न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन। सब्जेक्ट आपका बच्चों इन्फेक्शन नहीं होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? अ न्यू वेव होगा। करें आफ्टर नियरली टू मंथ्स, ये टू बच्चों क्या है यहां पे? एडजेक्टिव। मंथ्स क्या है यहां पे? नाउन। तो नियरली क्या हो जाएगा? जो एडजेक्टिव के बारे में बताए वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और आफ्टर भी यहां किससे इसका काम कर रहा है? एक तरह से एडवर्ब या कंजंक्शन की तरह। देखें प्रीपोजिशन कह सकते हैं बच्चों यहां पे, आफ्टर नियरली टू मंथ्स यानी लगभग दो महीनों के बाद स्ट्रांडेड इंडियंस, जो फंसे हुए भारतीय थे यानी जो असहाय भारतीय थे अक्रॉस द वर्ल्ड, कहां बच्चों? अक्रॉस मीन्स पूरे विश्व भर में, यानी स्ट्रांडेड इंडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में जो फंसे हुए भारतीय थे, विल बिगिन देयर जर्नी होम, वो अपने घर की यात्रा शुरू करेंगे दिस वीक, इसी सप्ताह। यानी वो सभी भारतीय जो विदेशों में हैं, वो सभी फंसे हुए भारतीय घर की यात्रा करेंगे अपने, वापस आएंगे, भारत आएंगे इसी सप्ताह, एज जब एयरक्राफ्ट एंड नेवल शिप्स, देखिए बच्चों ध्यान से देखें, नेवल शिप्स है लेकिन शिप में यहां एस लगाया गया, प्लूरल बनाया गया, यहां एयरक्राफ्ट है लेकिन एयरक्राफ्ट में एस नहीं लगाया गया। अगर आपने नाउन पढ़ा हो तो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो शिप हो, चाहे वो डियर हो, चाहे वो स्वाइन हो, चाहे वो मैकरल हो, चाहे वो पाइक हो, चाहे वो कार्प हो, चाहे वो ट्राउट हो, ये ऐसे नाउन्स और भी देख लें अगर आप चाहें तो, चाहे वो वर्मिन हो, चाहे वो पीपल हो, ये ऑलरेडी क्या होते हैं बच्चों? प्लूरल में यूज, इनमें आपको एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट ऑलरेडी प्लूरल है, एस नहीं जोड़ेंगे आप, लेकिन शिप तो प्लूरल था नहीं इसलिए एस जोड़ दिया गया। फिर से देखें, तो बच्चों आपने पढ़ा कि करीब दो महीनों बाद जो स्ट्रांडेड इंडियंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे विश्व भर में, विल बिगिन देयर जर्नी होम, वो कहां आएंगे? वापस घर आएंगे, मीन्स भारत आएंगे दिस वीक, इस सप्ताह, एज जब एयरक्राफ्ट यानी जो वायुयान के विमान हैं एंड नेवल शिप्स और जो नौसेना की जहाजें हैं, इन अ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड प्लान यानी सरकार की देखरेख में जो एक योजना बनी गई है, बनाई गई है, उसमें वो लोग आर टू ब्रिंग बैक, उन्हें क्या किया जाना है बच्चों? कि ये किसके लिए पता था? स्ट्रांडेड इंडियंस के लिए है, आर टू ब्रिंग बैक यानी उन्हें वापस लाया जाना है, अबाउट 15,000 नेशनल्स, कितने लोगों को बच्चों? लगभग 15,000 भारतीयों को फ्रॉम 13 कंट्रीज, कहां से लाया जाना है? लगभग 13 देशों से इन द फर्स्ट वीक, और कब लाया जाना है? पहले सप्ताह में लाया जाना है, समझ रहे हैं बच्चे? यानी पहले सप्ताह में 13 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को क्या किया जाना है? वापस
भारत लाया जाना है, अर्थात वो वापस चले आएंगे क्योंकि वहां पर वो स्ट्रांडेड थे, अर्थात क्या थे वहां पे बच्चों, वो फंसे हुए थे, अर्थात असहाय अवस्था में पड़े हुए थे वो। द मैमथ एक्सरसाइज, ये जो मैमथ एक्सरसाइज है मीन्स जो विशाल एक्सरसाइज, विशाल प्रयोग है, यानी विशाल कार्य है, डब्ड जिसे करार दिया गया है, यहां डब्ड का क्या मतलब बच्चों, विच इज डब्ड यानी जिसे करार दिया गया है, क्या द वंदे भारत मिशन, यानी एक ऐसा लक्ष्य वंदे भारत मिशन के नाम से इसे करार दिया गया है, किसके द्वारा, बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा, विदेश विभाग के मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया बच्चों, वंदे भारत। ये आपका एक जीएस का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इज ये जो मैमथ एक्सरसाइज है ना, विशाल प्रयोग है, विशाल कार्य है, इज एक्सरसाइज सिंगुलर था ना, इज एक्सपेक्टेड यानी इस एक्सरसाइज से अपेक्षा की जाती है, टू लास्ट फॉर वीक्स, की ये एक्सरसाइज नहीं कार्य सप्ताहों तक चलेगा, यहां लास्ट बच्चों वर्ब के रूप में है, चलते रहना, यानी सप्ताहों तक चलता रहेगा, गिवेन गिवेन मीन्स को ध्यान में रखकर के, किस चीज को ध्यान में रखकर, द नंबर्स ऑफ पीपल यानी लोगों की संख्या को ध्यान में रखकर के हम कह सकते हैं कि यह कार्य जो है लोगों को ले आने का वो सप्ताहों तक चलता रहेगा, किन लोगों को, उन लोगों को हु हैव रजिस्टर्ड विद एम्बेसीज, जिन्होंने उच्चायोगों में क्या कराया है, रजिस्टर कराया गया, रजिस्टर कराया, अपना नाम लिखवाया है इन दीज कंट्रीज, इन 13 देशों में, इन 13 देशों में जिन लोगों ने उच्चायोग में जाकर, उच्चायोगों में अपने अपने नाम दर्ज कराए गए कराए हैं, उन्हें वहां से ले आया जाएगा और ये कार्य करीब सप्ताहों तक क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। द स्ट्रांडेड, अब यहां देखिए इंक्लूड बच्चे इसके साथ ना पढ़े आप, द स्ट्रांडेड लग गया यानी फंसे हुए लोग, जैसे द पुअर, द रिच, द सिख होता है ना, वैसे द स्ट्रांडेड यानी वो फंसे हुए लोग, इंक्लूड जिन उनमें शामिल हैं कौन, बिजनेस ट्रेवलर्स यानी वो ट्रेवलर्स जो बिजनेस ट्रेवलर्स हैं वहां पे, एंड टूरिस्ट और टूरिस्ट हैं, हु वर अनेबल जो क्या थे, असमर्थ थे टू रिटर्न इन टाइम, समय पर लौट पाने में, यानी ये स्ट्रांडेड लोगों में कौन है बच्चों, बिजनेस ट्रेवलर्स हैं मीन्स जो अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए बाहर गए थे, एंड टूरिस्ट और कौन है, पर्यटक हैं, हु आर अनेबल टू रिटर्न इन टाइम, जो समय पर लौटने में क्या रहे, असमर्थ रहे। ध्यान रखें बच्चों, कभी अगर ऑन टाइम लगा है ना, तो ऑन टाइम मीन्स एग्जैक्ट टाइम होता है, लेकिन अगर इन टाइम होता है इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, जैसे कोई कहे आई विल रिटर्न ऑन टाइम, इसका मतलब वो समय पर लौट आएगा, 10 बजे है तो 10 बजे आएगा, बट वो कहे आई विल रिटर्न इन टाइम, अर्थात मैं समय से पहले आ जाऊंगा, अर्थात मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचा रहेगा। देखें तो स्ट्रांडेड लोग कौन कौन थे, कौन लोग इसमें बच्चों, बिजनेस ट्रेवलर्स हैं और टूरिस्ट हैं, हु आर अनेबल टू रिटर्न इन टाइम, जो समय पर लौट पाने में असमर्थ रह गए थे, ड्यू टू द पैंडेमिक, किसकी वजह से नहीं लौट पाए थे, इस महामारी के कारण नहीं लौट पाए थे, द लास्ट फ्लाइट, क्योंकि जो अंतिम उड़ान थी अलाउड टू लैंड विद इनकमिंग पैसेंजर्स, जिसे अलाउड टू, जिसे अनुमति दी गई थी टू लैंड, भारत में उतरने की विद इनकमिंग पैसेंजर्स, किनको लेकर के, आने वाले यात्रियों के को लेकर के, वो लास्ट फ्लाइट जो थी वर ऑन मार्च 22, उन्हें कब अलाउ किया गया था लास्ट, यानी पिछली बार 22 मार्च को, अर्थात 22 मार्च के बाद किसी भी बाहरी विदेशी फ्लाइट को यहां पर आने की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी भी हैं, हुज यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैव शट डाउन, यहां पे लॉकडाउन है तो वहां उनकी जो यूनिवर्सिटी वो क्या है बच्चों, यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स क्या है, शट डाउन हो गए हैं, वास्तव में लॉकडाउन ही तो शट डाउन है ना, तो कह रहे हैं कि देर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी भी हैं हुज यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैव शट डाउन, जिनके यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स क्या हो चुके हैं बच्चों, हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, शट डाउन बंद हो चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंक्रीजिंगली धीरे धीरे, दीज अपीलिंग टू बी सॉरी
दोज अपीलिंग टू बी अलाउड, दोज तोड़ दीजिए बच्चों इस बात को, नहीं, दोज हु आर अपीलिंग, वो लोग जो अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, टू बी अलाउड, क्यों नहीं क्या कर दिया जाए, अनुमति दी जाए, टू रिटर्न, क्या करने की, वापस लौटने की। अब देखिए यहां पे वर्ब है, वो लोग, वो दोज हैव, है ना बच्चों, दोज हैव इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स, इनमें कौन लोग शामिल हैं, प्रोफेशनल्स यानी पेशेवर लोग हैं, एंड लेबरर्स, और कौन है बच्चों, मजदूर लोग हैं, हु हैव लॉस्ट जॉब्स, जिनकी नौकरी क्या हो गई थी, चली गई थी, ड्यू टू द इकोनॉमिक इंपैक्ट, किसके कारण, इकोनॉमिक इंपैक्ट यानी आर्थिक प्रभाव के कारण जिनकी जॉब चली गई थी ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन। और ये आर्थिक प्रभाव क्यों पड़ा बच्चों, ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन, क्योंकि वैश्विक तौर पे लॉकडाउन यानी हर जगह क्या है, शटडाउन है, लॉकडाउन है। फिर से देख लें बच्चों, करें इंक्रीसिंगली, धीरे धीरे जो चीजें बढ़ रही हैं वो क्या है, दोज वो लोग हु आर अपीलिंग, ऐसे तोड़े बच्चों, क्योंकि दोज के साथ सीधे अपीलिंग कैसे आ जाएगा, सोच देखें, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पे है, तो दोज हु आर अपीलिंग, वो लोग जो आग्रह कर रहे हैं, टू बी पैसिव वॉइस देखें, टू बी अलाउड कि उन्हें क्या किया जाए, अनुमति दिया जाए, क्या करने के लिए, टू रिटर्न लौटने के लिए, वो लोग हैव इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स, उनमें कौन है, प्रोफेशनल्स शामिल हैं, एंड लेबरर्स मजदूर शामिल हैं, हु हैव लॉस्ट जॉब्स, जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है ड्यू टू द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन, यानी वैश्विक लॉकडाउन्स की वजह से जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी आर्थिक जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी वजह से उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी हैं, जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स और लेबरर्स क्या करना चाहते हैं बच्चों, लौटना चाहते हैं, कहां लौटना चाहते हैं, भारत में लौटना चाहते हैं, उसी भारत को, जिस उसी भारत में लौटना चाहते हैं जिस भारत को पैसे की वजह से वो क्या करके चले गए थे बच्चों, छोड़ के चले गए थे। सोचेगा, विद एस्टिमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स, एस्टिमेट्स एक अनुमान, विद एस्टिमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स मीन्स अभ्यर्थी यानी रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग, विद एस्टिमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स रेंजिंग बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख। अब ये बच्चों अजीब है, यहाँ बिटवीन के साथ इन्होंने टू लगाया हुआ है, बट बिटवीन के साथ आप एंड को प्रीफ्रेंस दीजिएगा, टू लगता है बट यहाँ नहीं लगना चाहिए था। यानी अनुमान के मुताबिक अगर हम कहें तो जो एप्लीकेंट्स हैं, हु आर हो जाएगा, हु आर रेंजिंग बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, यानी वो करीब 5 लाख से 10 लाख के बीच हैं, कौन, वो एप्लीकेंट्स जिन्होंने आवेदन किया है, एम्बेसीज एंड मिशंस, तो इस चीज का अनुमान लगा करके, इस चीज को ध्यान में रख करके, एम्बेसीज एंड मिशंस अर्थात जो उच्चायोग हैं, जो मिशंस में संस्थाएं हैं ऐसी, विल हैव देयर टास्क कट आउट प्रायोरिटाइजिंग, यानी उनका कार्य होगा कि पहले कट आउट प्रायोरिटाइजिंग बना लें, मीन्स प्राथमिकता के आधार पे उनकी संख्या निकाल लें, लिस्ट ऑफ दोज, उन लोगों की सूची बना करके, हु विल रिटर्न, जिन्हें क्या होना होगा, इन्हें क्या होना है, लौटना है। फिर से देख लें बच्चों, करें विद एस्टिमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स रेंजिंग बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, अर्थात एक अनुमान के मुताबिक आप कह सकते हैं कि आने वाले की जो आने वालों की संख्या है, अर्थात जो आवेदन करने वालों की संख्या है, वो संख्या कितनी बच्चों, 5 लाख के और 10 लाख के बीच। तो इस चीज का अनुमान लगा करके, एम्बेसीज एंड मिशंस अर्थात जो उच्चायोग हैं इन 13 देशों के और जो मिशंस संस्थाएं हैं, विल हैव देयर टास्क कट आउट प्रायोरिटाइजिंग लिस्ट, अर्थात ये अपनी प्राथमिकता के आधार पे क्या बना लें, अपनी एक लिस्ट बना लें ऑफ दोज, उन लोगों की हु विल रिटर्न, जिन्हें क्या होना है, लौटना है। ओके, समझ रहे हो क्या? अकॉर्डिंग टू बच्चों जानते होंगे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके अनुसार, द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अर्थात इस कार्य को अंजाम देने का जो प्रोसीजर्स हैं, मीन्स जो प्रक्रियाएं हैं, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो प्रक्रियाएं हैं, रिलीज्ड बाई
द होम मिनिस्ट्री, जो किसके द्वारा रिलीज की गई हैं, मीन्स जारी की गई हैं, बाय द होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के द्वारा, उसके अनुसार ओनली दोज, केवल वही लोग हु हैव कॉम्पेलिंग रीजंस टू रीजन, कॉम्पेलिंग बच्चों बाध्यकारी, मजबूरी से भरा हुआ, यानी हु हैव कॉम्पेलिंग रीजंस टू रिटर्न, यानी वही लोग, ओनली दोज हु हैव कॉम्पेलिंग रीजंस टू रिटर्न, जिनके लिए लौटना मजबूरी है, अर्थात जिनके पास ऐसे रीजंस हैं कि वो बाध्य हैं लौटने के लिए, पीपल हुज वीजाज आर एक्सपायरिंग, कैसे लोग जिनके वीजा जो हैं एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी समयावधि खत्म हो रही है, हु फेस डिपोर्टेशन, ऐसे लोग जिन्हें वहां की सरकार ने निर्वासित कर दिया है कि अब आप अपने अपने देश में जाइए, विद फैमिली इमरजेंसीज, ऐसे लोग जिनकी पारिवारिक आवश्यकताएं हैं, इमरजेंसीज हैं, अति आवश्यकताएं हैं, मेडिकल इशूज, कुछ मेडिकल इशू जिनके साथ हैं, इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, जैसे किसी महिला को प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, एंड स्टूडेंट्स, और जो विद्यार्थी हैं हु हैव लॉस्ट देयर एकोमोडेशन, जिनका आवास क्या हो गया है, लॉस्ट, खो चुका है, ऐसे लोग हैं। अब जोड़िए बच्चों, यहां से देखिए, वनली दोज, ये था ना यहां पे आपका वनली दोज, ऐसे लोग ही विल बी अलाउड, क्या की जाएंगे, उन्हें अनुमति दी जाएगी टू रिटर्न, लौटने की, इन द फर्स्ट फेज, कब, पहले चरण में, यानी पहले चरण में उन्हीं को लौटने की अनुमति दी जाएगी। जब भी आप फर्स्ट सेकेंड ऐसे यूज करें तो उसके पहले क्या ले लें बच्चों, द ले लें, विच इज ओपन टू ओनली इंडियन नेशनलिस्ट, देखे, विच इज ओपन टू ओनली इंडियन नेशनलिस्ट, जो फेज यानी जो पहला चरण है बच्चों ना, विच इज ओपन टू ओनली इंडियन नेशनलिस्ट एट प्रेजेंट, इस समय केवल भारतीयों के लिए ही क्या है वो ओपन है, यानी इसमें अन्य देशों के लोग नहीं ले आए जा सकते हैं। ये आप समझ रहे होंगे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है बच्चों, इतना अच्छा है कि यह केवल अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं करता है, ये दूसरे देशों के नागरिकों की भी जान बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म बच्चों कोई हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या ईसाई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बच्चों, इसे ऐसा लगता है कि हम सभी की मदद करें, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना होगा कि पहले चरण में केवल वही लोग आएंगे जो इंडियन नेशनल्स होंगे एट प्रेजेंट, ओके। इन एडिशन मीन्स बच्चों इसके अलावा, द गवर्नमेंट हैज आल्सो लेड डाउन, याद होगा आपको बच्चों, स्थापित करना, रखना, यानी गवर्नमेंट ने हैज आल्सो लेड डाउन स्ट्रिंजेंट कंडीशंस, यानी भारतीय सरकार ने, भारत सरकार ने एक कुछ स्ट्रिंजेंट कंडीशंस भी रखे हैं, अर्थात कुछ कठोर शर्तें भी लेड डाउन की रखी हैं, विच इंक्लूड मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जिसमें शामिल है क्या, अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, यानी अनिवार्य संस्थागत क्वारंटाइन, यानी आप अगर आएंगे तो फिर आपके सामने एक शर्त होगी कि आपको क्वारंटाइन जरूर किया जाएगा, फॉर कब तक, 14 डेज, यानी 14 दिनों तक, यानी आपको ऐसा नहीं कि आपको सीधे घर जाने दिया जाएगा, 14 दिनों तक आपको क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा, मीन्स अलग थलग रखा जाएगा, ताकि अगर आप कहीं इन्फेक्टेड हैं, कॉन्टाजियस हैं, तो आपकी वजह से आपका परिवार या आपके कॉन्टैक्ट में आने वाले लोग संक्रमित न हो जाए, और ये कितने दिनों के लिए आपको रहना होगा, 14 दिन, और अगर आप ये स्ट्रिंजेंट कंडीशंस यानी कठोर शर्तें फॉलो करेंगे, तभी आप बाहर से भारत क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अंतिम लाइन है, देख लें कुछ, ऑल दोज, वो सभी लोग रिटर्निंग, देखिए बच्चों कितनी बढ़िया लाइन, ये विल बच्चों किसके लिए है, दोज के लिए, तो रिटर्निंग क्या है, हु आर रिटर्निंग, ऐसे बनाना सीखें, नहीं, ऑल दोज, वो सभी लोग हु आर रिटर्निंग, जो लौट रहे हैं, विल आल्सो बियर द कॉस्ट, उन्हें कीमत अदा करनी होगी, उसे बियर करना होगा, फॉर ट्रेवल अरेंजमेंट्स, नहीं, ट्रेवल अरेंजमेंट्स में जो खर्च आना है, एन एकोमोडेशन, और आपकी व्यवस्था में जो खर्च आना है, वो सारा उन्हीं को, आल दोस्त को ही क्या करना होगा,
बियर करना होगा, सहन करना होगा, वहन करना होगा, मीन्स उन्हीं को वो पैसे, वो खर्च देने होंगे और देना चाहिए बच्चों। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो आप इतने सक्षम तो हैं ही कि आप ऐसा कर सकते हैं, वो भी तब जब एक आपदा है, विपत्ति है, सरकारें जो हैं वो खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही हैं, तो कहीं कहीं जो फॉरेनर्स हैं, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, उन्हें और मदद ही करनी चाहिए। देखें बच्चों, डिस्पाइट दीज, देखिए डिस्पाइट के साथ यहाँ पे ऑफ नहीं लगाया गया, बहुत बार ये शब्द रिपीट होते रहेंगे बच्चों। डिस्पाइट दीज, इनके अलावा द रिटर्नीज, जो लौटने वाले लोग हैं, विल नो डाउट बी ग्रेटफुल, यानी इसके बावजूद उन लौटने वालों को विल नो डाउट, निसंदेह बी ग्रेटफुल, वो क्या होंगे, एहसानमंद होंगे बच्चों, यानी वो उन्हें कहीं कहीं एहसान लगेगा कि हाँ सरकार उन्हें वापस ले आ रही है। किसके एहसानमंद होंगे, टू द गवर्नमेंट, सरकार के, फॉर इट्स एफर्ट्स, उसके प्रयासों के लिए, यानी सरकार जो प्रयास कर रही है उन्हें बचाने की, वापस ले आने की, अपने देश में ले आने की, उसके लिए उन्हें यानी रिटर्नीज को कहीं कहीं सरकार का क्या होंगे, वो ग्रेटफुल होंगे, एहसानमंद होंगे, यानी इसके बावजूद। अब देखिए कैसे लाइन है बच्चों, यानी ये तय है कि वो रिटर्नीज सरकार के लिए क्या होंगे बच्चों, ग्रेटफुल होंगे, यानी एहसानमंद होंगे सरकार के प्रयासों के लिए। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद इंडियन डिप्लोमैट्स, जो भारतीय कूटनीतिज्ञ हैं, हु हैव हेल्प्ड कीप देम इन्फॉर्म्ड, जो उन्हें क्या करते रहे बच्चों, सूचित करते रहे, ऑर्गेनाइज्ड फूड, जिन्होंने उनकी क्या की है, भोजन की व्यवस्था की है, एंड शेल्टर, और उनके रहन सहन की व्यवस्था की है, एंड आल्सो, और इसके अलावा भी टू एयरलाइन की व्यवस्था की है, एंड नेवल क्रूज यानी उन पायलट्स वगैरह की, नौसेना के लिए पायलट्स वगैरह की व्यवस्था की है, हु विल कैरी आउट दीज ऑपरेशंस, जो इन कार्यवाहियों, इन अभियानों को कैरी आउट करेंगे, मीन्स पूरा करेंगे, डिस्पाइट द रिस्क, इन खतरों के बावजूद। कौन से खतरों बच्चों, कि ऑफ इन्फेक्शन, कि वो क्रूज भी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। फिर भी सोचिए, इसके बावजूद जो इंडियन डिप्लोमेट्स है उन्होंने ऐसा किया है कि हाँ हमारा धर्म है, हमारा कर्म है अपने देशवासियों की क्या करना, मदद करना, देर से ही सही, बट ये एक अच्छा स्टेप है बच्चों, ठीक है। देखें द एफर्ट्स, ये जो प्रयास हैं सरकार के द्वारा किए गए, जो प्रयास हैं रिक्वायर्ड बाई अनसंग डिप्लोमैट्स एंड ऑफिसर्स, यानी जो किसके लिए जरूरत थी, अनसंग डिप्लोमैट्स बच्चों, वो डिप्लोमैट्स, वो कूटनीतिज्ञ जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, वो ऑफिसर्स, अधिकारी जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, वो एफर्ट्स हैव बीन मेड ऑल द मोर डिफिकल्ट, यानी ये एफर्ट्स क्या कर दिए गए हैं और कठिन बना दिए गए हैं बाई इंडियाज स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन, इस अवस्था में, क्योंकि भारत में कठोर लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, एंड और द गवर्नमेंट्स डिसीजन, और गवर्नमेंट का जो निर्णय है, कौन सा निर्णय बच्चों, नॉट टू अलाउ इट्स नेशनल्स, कि अपने भारतीयों को इस बात के लिए अलाउ नहीं करना टू रिटर्न, कि वो क्या हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं, इवन एज, यहां तक कि एज, उस अवस्था में भी जब अबाउट 60,000 फॉरेन नेशनल्स, जब 60,000 विदेशी जो लोग हैं यहां पर रहने वाले विदेशी लोग, वो क्या किए बच्चों, वर फ्लोन आउट, उन्हें जाने दिया गया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड के दौरान, तो कहीं कहीं इसे थोड़ा सा कठिन बना दिया गया, इसे और आसान किया जा सकता था। एज द गवर्नमेंट प्लान्स इट्स एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, अब जब गवर्नमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट योजना बना रही है इट्स एग्जिट बाहर निकलने की फ्रॉम द लॉकडाउन, किससे, इस लॉकडाउन से। देखिए बच्चों यहां एग्जिट फ्रॉम का प्रयोग, एग्जिट फ्रॉम किसी निकास की तरफ जाना, मीन्स बाहर निकलना। अब जब सरकार योजना बना रही है, आपके अंसर बना रही है कैसे है बच्चों, जब भी कोई भविष्य की बात होती है ना, तो आप वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेफरेंस देते हैं। अब जब गवर्नमेंट योजना बना रही है इट्स एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन से अब बाहर निकलना है, एज वेल एज इट्स रिपैट्रिएशन मैनेवर्स, और दूसरी तरफ ये अपने स्वदेश आगमन, यानी स्वदेश में जो लोग आ रहे हैं
उनके लिए मनेवर भी प्रदर्शित कर रही है, यानी अपनी रणनीति भी एक तरह से प्रदर्शित कर रही है। तो ऐसी अवस्था में इट इज नेसेसरी, आवश्यक है टू कंसिडर, कि विचार किया जाए पुटिंग इन बेटर सिस्टम्स, कि अच्छी व्यवस्था रखी जाए, सो दैट ताकि इट मीन्स अ सरकार, इट डज नॉट हैव टू रिपीट, इसे दोहराना न पड़े बच्चों, द ट्रॉमा, ट्रॉमा मीन्स वो आघात, वो चोट, वो मुसीबत, ताकि वो आघात, वो चोट, वो कष्ट दोबारा न हो, ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स, कि हम भारतीय नागरिकों को कीपिंग स्ट्रांडेड, फंसा हुआ छोड़ दें आउटसाइड द कंट्री, कहाँ, देश से बाहर, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, बढ़े हुए समय के लिए, अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, कहाँ, उनके परिवारों से दूर। यानी अब ऐसा न हो कि हम अपनी व्यवस्था में चूक कर जाएं और जो आने वाले भारतीय हैं वो कहीं कहीं स्ट्रांडेड आउटसाइड द कंट्री रह जाएं, विदेशों में ही फंसे रह जाएं, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, लंबे समय तक और बढ़े हुए समय तक, अवे फ्रॉम देयर फैमिली, जो अपने परिवारों से क्या है बच्चों, दूर है। इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है, दैट की क्वारंटाइन फैसिलिटीज, जो क्वारंटाइन करने की सुविधाएं हैं, आर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की जाए, अर्थात वो सही हो, आर या मेक शिफ्ट सेंटर्स, या जो अस्थाई केंद्र बनाए गए हैं, बिल्ट है ना बच्चों, जो अस्थाई केंद्र बनाए गए हैं टू डील विद द लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, किनसे निपटने के लिए, बड़ी संख्या में लोगों से निपटने के लिए, हु मे नीड टू रिटर्न, जिन्हें वापस लौटना पड़ सकता है, इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, लाइनें बड़ी हो रही बच्चों, फिर से देख लें आप, देखें यहां से, ये है आपका, यहां से देख लें आप, देखें यहां से करें, इट इज नेसेसरी टू कंसिडर, ये विचार करना जरूरी है, पुटिंग इन बेटर सिस्टम्स, कि हम बेहतर व्यवस्था करें, सो दैट, ताकि इट डज नॉट हैव टू रिपीट द ट्रॉमा, ताकि सरकार को वो गलती, वो आघात न दोहराना पड़े, ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स स्ट्रांडेड आउटसाइड द कंट्री, कि वो भारतीय जो हैं बेचारे वो विदेशों में, देश से बाहर ही स्ट्रांडेड फंसे रहें, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, अर्थात लंबे समय तक के लिए अपने परिवारों से दूर। इट इज नेसेसरी, जरूरी है, दैट की क्वारंटाइन फैसिलिटीज, जो क्वारंटाइन की फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, आर आइडेंटिफाइड, वो पहचानी गई हो, अर्थात वो सही हो, दुरुस्त हो, आर या मेक शिफ्ट सेंटर्स, या जो मेक शिफ्ट सेंटर्स है, मीन्स जो अस्थायी केंद्र बनाए गए हैं, बिल्ट टू डील विद द लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, अर्थात बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के लिए जो केंद्र वो बनाए गए हैं, मेक शिफ्ट सेंटर्स, अस्थायी केंद्र, उन्हें, उनकी पहचान कर ली जाए, कौन से सेंटर्स, हु मे नीड टू पीपल, उन सेंटर्स में रहने वाले लोगों के लिए, हु मे नीड टू रिटर्न, जिन्हें हो सकता है क्या करना पड़े, लौटना पड़े, इन अ पर्टिकुलर, विशेष रूप से, द गवर्नमेंट नीड्स, सरकार को जरूरत है, देखिए गवर्नमेंट को यहां बच्चों सिंगुलर में लिया गया है, क्योंकि सामूहिक प्रयास है, अगर यही अलग अलग प्रयास होता ना, तो फिर यहां पर गवर्नमेंट नीड हो जाता, तो द गवर्नमेंट नीड्स, सरकार को जरूरत है टू प्रिपेयर, तैयार रहने की, फॉर बोथ, दोनों चीजों के लिए, कौन से दोनों चीजों के लिए, अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नावेल कोरोना वायरस, यानी नावेल कोरोना, यानी फिर से नए तरीके से कोरोना वायरस के एक सेकेंड वेव, यानी बहुत बड़ी संख्या के लिए तैयार रहना चाहिए, एज वेल एज, बच्चों ये गलत ग्रामर यहां पे है, अगर आपने बोथ लिया है तो आप एज वेल एज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं आपको एंड का प्रयोग करना चाहिए था इनको, न कि एज वेल एज का, चलिए, फॉर बोथ अ पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ द नॉवेल कोरोना वायरस, सरकार को नए संक्रमित मरीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए, बड़ी संख्या के लिए तैयार रहना चाहिए, एंड अ रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स, और जो भारतीय प्रवासी हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना चाहिए, नीडिंग टू रिटर्न, जो वापस आने की जिनको जरूरत है, गिवेन, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि
द ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस, कि जो तेल के दामों में खाड़ी देशों में क्या आ रही, बहुत कमी आ रही, गिरावट हो रही है इन वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में, एंड द डाउन टर्न इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स, और जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो डाउन टर्न आ रही, मोड़ आ रहा है, गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से लोग कहाँ आना चाहेंगे बच्चों, वापस अपने देश में आना चाहेंगे, उनका रोजगार चूंकि खत्म हो चुका होगा, इसके लिए भी सरकार को तैयार रहना होगा कि उस रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स, कि भारतीय प्रवासी बहुत तीव्र यानी बहुत तेजी से उनकी संख्या में, आने वालों की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये चीज जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको रिविजन हो जाए, स्पेशली जो आपका टारगेट है वर्ड्स का, बोल दे बच्चों, देख लें जल्दी से अपने मन में, सोचें क्या इन वर्ड्स को तैयार कर लिया आपने। एक्सपैट्रिएट याद हो गया आपको, प्रवासी जो विदेशों में काम की तलाश में गए हों, बाहर रहते हों, वो एक्सपैट्रिएट है। एम्बेसी याद है, उच्चायोग यानी एक ऑफिस जिसमें आपके एम्बेसडर रहते हों, वो ऑफिस या वो हाउस। स्ट्रांडेड यानी जो कहीं कहीं बच्चों फंसे हुए हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया हो, वो स्ट्रांडेड होते हैं। रिपैट्रिएशन बच्चों, स्वदेश आगमन यानी घर में आगमन, अपने देश में आगमन। स्ट्रिंजेंट कठोर, हार्ड स्ट्रिक्ट। अनसंग अर्थात जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, वो अनजाने हीरोज, हमारे अनसंग हीरोज। मैमथ मीन्स ह्यूज, विशाल। कॉम्पेल मजबूर करना, बाध्य करना, वर्ब के रूप में। पैंडेमिक बच्चों, महामारी मीन्स एक ग्लोबल जो क्राइसिस के रूप में इस समय चल रही है। मैनेवर मीन्स आपकी चाल, आपकी रणनीति, आपका कौशल। एकोमोडेशन रहन सहन, आवास, इसकी स्पेलिंग तैयार कर लीजिएगा, मैनेवर की स्पेलिंग तैयार कर लीजिएगा। प्रायोरिटाइज किसी चीज को प्राथमिकता देना, उसे पहले स्थान पर रखना। ट्रॉमा आघात, चोट, आप जानते होंगे जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे पहले ट्रॉमा सेंटर में ले जाया जाता है। मेक शिफ्ट मीन्स टेम्पररी हो, सब्स्टिट्यूट हो, अस्थाई हो। क्वारंटाइन यानी ऐसी अवस्था जिसमें ये शक हो कि आप इन्फेक्शस लोगों के संपर्क में आए हो, तो आपको अलग थलग रखा जाता है, दिस इज क्वारंटाइन। नेवल नौसेना। डिप्लोमेट्स कूटनीति, जो एक सरकार की तरफ से दूसरे देशों में कार्य करते हैं। एक्सटेंड वर्ब के रूप में बढ़ाना। डाउन टर्न एक प्रकार का डाउनवर्ड जो टर्न है डिक्लाइन की तरफ, वो डाउन टर्न है, मोड। डिपोर्टेशन निर्वासन, जब किसी देश से निकाल दिया जाए। ग्लोबल वैश्विक। डब करार देना, सही ठहराना या नाम देना। स्ट्रिंजेंट कठोर। और गिवेन को ध्यान में रखते हुए, किसी चीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे हम शाम को 6 बजे इसी एडिटोरियल की एक्सरसाइज के साथ, जिसमें आप इस सारी वर्ड्स वगैरह जो हैं वो आप अपना पूरा क्या कर लेंगे बच्चों, तैयार कर लेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।